बरेली कॉलेज बरेली 17 जुलाई यानी आज 186 साल का हो गया है। स्थापना दिवस पर कॉलेज प्रशासन की ओर से पौधरोपण के साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी किए गए, जबकि कॉलेज के स्थायी कर्मचारियों ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। तमाम उतार चढ़ाव देख चुके बरेली कॉलेज अपनी एक अलग ही पहचान के साथ अपने अंदर का एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। चीफ प्रॉक्टर आलोक खरे ने बताया कि बरेली कॉलेज की स्थापना 1837 में नौमहला मस्जिद के पास एक मोहल्ले के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। पहले साल सिर्फ 57 छात्रों ने प्रवेश लिया और रोजर्स पहले हेडमास्टर बने। वहीं 1857 की क्रांति में कॉलेज प्रभावित हुआ, जिसके बाद 1859 में कॉलेज फिर शुरू हुआ, लेकिन 1877 में आर्थिक संकट के चलते कॉलेज फिर से बंद हो गया। इसके बाद कॉलेज 1884 में फिर शुरू हो गया और कॉलेज को सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्धता मिली, बाद में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्धता मिली। वहीं 17 जुलाई 1906 को नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ और 18 जुलाई से कॉलेज फिर शुरू हो गया। डॉक्टर आलोक खरे ने बताया कि आज़ादी के समय में बरेली कॉलेज का बहुत महत्व योगदान रहा है। जंगे आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के छात्रों ने अपनी कुर्बानी तक दी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं आज के वक्त छात्रों के प्रवेश की पहली प्राथमिकता बरेली कॉलेज रहता है। यहाँ अधिकांश पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलना मुश्किल होता है और मेरिट भी हाई जाती है। वर्तमान में बरेली कॉलेज में लगभग 14,000 रेगुलर और 18,000 प्राइवेट छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पर्यावरण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली की तरफ से आज हम लोगों ने बरेली कॉलेज बरेली का 186वां जन्मदिन जो है और जिसको स्थापना दिवस बोलते हैं मनाया है यहाँ पर केक काट करके। और बरेली वासियों से ये अपील करते हैं कि जो हमारी मुहिम है बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की, जनप्रतिनिधियों से बरेली की आम जनता से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इस मुहिम में हमारा समर्थन दें और बढ़ चढ़ के जनप्रतिनिधियों से भी ये मांग करें ताकि बरेली कॉलेज को बहुत जल्द सरकार जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदले, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, ऐतिहासिक है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सारे मानकों पे खरा उतरता है विश्वविद्यालय बनने के लिए। तो आज हम पुरजोर तरीके से मांग उठाते हैं बरेली के जनप्रतिनिधियों से, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द बदला जाए। इसके लिए हम बरेली के सभी जनप्रतिनिधियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे जिस दिन बरेली कॉलेज विश्वविद्यालय में बदले। निश्चित रूप से आज बरेली कॉलेज बरेली का 186वां स्थापना दिवस है। वर्ष 1837 में हमारा महाविद्यालय एक छोटे से विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था कुछ छात्र संख्या के साथ, और आज 186 वर्ष के बाद हमारा जो महाविद्यालय है वो निश्चित रूप से आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय के अंदर 14,000 से अधिक रेगुलर छात्र हैं और 18,000 प्राइवेट छात्र वर्तमान में महाविद्यालय में पंजीकृत हैं, जो कि आखिर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिला के लगभग 35,000 छात्र संख्या के साथ हम लोग पूरे प्रदेश की कई सारे विश्वविद्यालयों से भी बहुत बड़ी छात्र संख्या रखते हैं, और इन छात्रों को हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, लगभग 250 शिक्षक है और 200 लोग का जो ऑफिस स्टाफ है उनके सपोर्ट में है। स्थापना की बात करें तो कॉलेज की स्थापना यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, बहुत सारे लोग हमारे महाविद्यालय से संबंधित रहे। आरंभिक काल के कुछ हमारे जो हेडमास्टर्स थे, जो यहाँ के टीचर्स थे, उनको बड़ी बड़ी सजाएं हुई, कुछ को काला पानी तक की सजा हुई। कुछ हमारे महाविद्यालय के छात्र, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर नाम है जेमी ग्रीन, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए उसको फांसी की सजा दी गई। और बहुत सारे, अगर हम चाहें भी तो हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षक बड़े बड़े पदों पे पहुँचे हुए हैं। वर्तमान में अगर देखें तो बरेली शहर के जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, सारे महाविद्यालय के छात्र रहे हैं हमारे यहाँ के जो है। तो एल्यूमिनाई जो महाविद्यालय के, उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सांसद, विधायक, राज्यपाल, अनेकों छात्र हमारे यहाँ के शिक्षक, डिफरेंट जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति बनाए गए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के एक शिक्षक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर पीके जोशी साहब, कई लोग लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और शायद अगर आप बरेली में पूरे रोहेलखंड प्रक्षेत्र में किसी भी परिवार से बात करें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहाँ से किसी न किसी व्यक्ति ने बरेली कॉलेज शिक्षा न प्राप्त। तो हम लोग निश्चित रूप से गर्वित हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हम अपने कॉलेज का 186वां
स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों ने आज शहीद जो हमारा शहीद स्मारक है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्रों ने, शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है और अपनी जान दी है, तो उन्हीं की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। तो वहाँ से हम लोगों ने पुष्पांजलि देने के बाद परिसर के अंदर वृक्षारोपण किया है और शाम को हम लोग पुनः एकत्रित होंगे और इसी शहीद स्थल के ऊपर हम लोग दीप दान करके मोमबत्तियाँ जलाएंगे। इस टाइप का कार्यक्रम है। बहुत सारी शुभकामनाएं बरेली कॉलेज के साथ।